चैनल एंड आई एम योर इंग्लिश एडुकेटर शुभ्रा मिश्रा आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन सो इन टेज वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सीक्रेट्स ऑफ आंसर राइटिंग आंसर राइटिंग जो है वो एक बहुत ही वाइडली डिस्कस टॉपिक है अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा बन गया है बिकॉज देखो कोविड से पहले हम लोगों को सबको आंसर्स लिखने की फुल आदत हो चुकी थी एंड देन uh, एक पॉइंट आया जब कोविड में एक साल भर तो हमारे एग्जाम्स ही नहीं हुए और फिर उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स लगे वो बहुत एम ओरिएंटेड हो गए है ना तो चॉइस बेस्ड हो गए और अब धीरे धीरे वापस से जब हम सब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं हर एक सब्जेक्ट के अंदर आंसर राइटिंग में परेशानी आ रही है थ्योरी में है ना अफकोर्स कोई ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसके अंदर तो आपको बहुत कुछ समझाने का रहता है तो इसीलिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है बट अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी थेरिटिकल सब्जेक्ट की तो वहाँ पर आंसर्स को यू नो एक्सप्लेन करना एक्सप्रेस करना आप क्या सोच रहे हो उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंग्लिश में आज मैं आपको कुछ सीक्रेट्स देने वाली हूँ एंड लेट मी टेल यू इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेके आई हूँ जो आपकी बहुत मदद करने वाला है इसी चैनल पे इसी चैनल पे ठीक है जो आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप भी आंसर राइटिंग की परेशानी से जूझ रहे हो थी, तो ठीक है तो चलिए थोड़ा सा आपको बताती हूँ इसके बारे में ठीक है सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि आंसर राइटिंग जो है वो आंसर राइटिंग से शुरू नहीं होता कभी तो भी आपके आंसर लिखने का प्रोसेस जब आप हाथ में पेन पकड़ते हैं और लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ से नहीं होता आंसर राइटिंग में आप क्यों मात ज़्यादा खाते हैं वो इसके लिए है या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा पता है अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो लिखोगे क्या फिर घूम फिर के जितनी भी पता है उसी को घुमा घुमा के घुमा घुमा के लिखते रहोगे नंबर नहीं है अगर आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पता है तो आप सोचोगे वर्ड लिमिट में कैसे फिक्स करूँ हाँ इसमें ब्रेविटी कैसे डालूँ थोड़ा कंसाइज एकदम प्रिसाइस होके इसको कैसे लिखूं कि टू द पॉइंट बात भी कर दूं और इसके साथ साथ में मन में जो भी है वो सब सब एक्सप्रेस भी हो जाए स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी चाहिए होगा चॉइस ऑफ वर्ड्स अच्छा होगा आपकी प्रैक्टिस वहां पर लगेगी कई चीजें हैं अब हमें ना यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करना है सबसे पहले तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि हमारे दिमाग में वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हो आप जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं अच्छे आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो आपने ऑथर का नाम एकदम से रट लेना है हर एक चैप्टर और पोव के ऑथर का नाम रट लीजिए आप चैप्टर का आंसर लिख रहे हैं आपको पता ही नहीं है चैप्टर किसने लिखा है आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी सोच कैसी थी उन्होंने क्या बताया कैरेक्टर्स कैसे बनाए नरेशन कैसा था पर आपको नाम ही नहीं पता तो ये लिटरेचर में आंसर ऐसे नहीं लिखे जाते हैं इसीलिए सबसे पहले आप जब भी किसी चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें से आंसर्स लिखना चाहते हैं ऑथर का नाम प्रिपेयर कर लीजिए अब जब आपने ये कर लिया तो दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी रहेगी वो है आपके चैप्टर का या पोम का क्योंकि आंसर्स आजकल वो वाले नहीं रहे हैं जिसके अंदर आपसे इवेंट से पूछ लिया जाता था हां जी भाई बता दीजिए फ्रांस किधर जा रहा था हाँ जी बता दीजिए कि यहाँ पर यू नो वदाई कहां से लेकर आ रही थी हमारी बामा

कैरेक्टर से क्या समझे तो सबसे पहले तो जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो थीम इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर की समरी आप लोग पढ़ते हो एग्जाम से पहले सब बच्चे रट्टे लगाते हैं चैप्टर की समरी के पर इंपॉर्टेंट होता है आंसर राइटिंग के लिए थीम चैप्टर की स्टोरी पता है चल जाएगा पर अगर थीम पता नहीं है तो नहीं चलेगा अगर आपको चैप्टर में थीम पता है ना कि ये चैप्टर किस बारे में बात करता है तो स्टोरी में एक आध इवेंट इधर उधर हो गया तो भी चल जाएगा है ना तो आजकल जैसे क्वेश्चन ऑथर के नाम के साथ साथ किस बारे में वो चैप्टर है वो थीम आपको पता होना चाहिए देर कैन बी मल्टीपल थीम्स थीम्स एंड सब थीम तो आपको सबके बारे में पता होना चाहिए ठीक है अब ये हो गया तो फिर तीसरी चीज आती है आपके कैरेक्टर्स फिर आते हैं आपके कैरेक्टर्स अब बच्चों ये जो कैरेक्टर्स हैं कभी कभी तो हमें पता ही नहीं होता स्टोरी में कैरेक्टर्स कितने कोई स्ट्रॉन्ग है क्या कोई इमोशनल है क्या कोई सबमिसिव है क्या कोई शाय है क्या कोई बोल्ड है क्या हमें पता ही नहीं है कैरेक्टर के ट्रेट्स क्या है अरे लिटरेचर पढ़ रहे हो यहाँ पे है एक क्या गणित नहीं है ये जब लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ऑथर ने दिमाग में सोच के स्टोरी का थीम सेट किया होगा उसके अराउंड बनाई होगी उस थीम को जस्टिफाई करने के लिए कैरेक्टर्स डिजाइन किए होंगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो स्टोरी के हीरो हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो स्टोरी में विलन का काम कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई होंगे उनके ट्रेट्स से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो स्टोरी को बदल देंगे जैसे कि एडला तो स्टोरी घुमा दी एडला ने हा? कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिन कैरेक्टर्स का जिक्र एकदम लास्ट में किया जाएगा जैसे कि एंड्रयूज़ द इंडिगो आप ये जो आपका इंडिगो चैप्टर है इंडिगो चैप्टर के अंदर लास्ट में जाकर एंड्रयूज का जिक्र है ब्रिटिश मैन का जो कि पैसिफिस्ट था अरे सवाल तो किसी से भी पूछा जा सकता है कोई भी कैरेक्टर पे पूछा जा सकता है तो यार जब भी किसी भी चैप्टर की प्रेपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ उस चैप्टर के समरी के रट्टे मत लगाओ उसकी स्टोरी को अच्छे से रीड कर, मत करो आप यहाँ पर ये यह सब करने के साथ साथ ऑथर का नाम रट लीजिए साथ ही साथ देख लीजिए थीम या सब थीम्स क्या है और ध्यान रखिए आपके कैरेक्टर्स ये तीन चीजें तो विदाउट अ फेल आपको याद होनी चाहिए और अगर आप पोएट्री सेक्शन कर रहे हैं पोम्स कर रहे हैं ठीक है वैसे जरूरी नहीं है ये लिमिटेड नहीं है पोम्स पे भी बट अगर ये तीनों चीजों के साथ में चेरी ऑन केक की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल यहां पर पोएटिक डिवाइसेस अगर याद रख सकें ठीक है पोएटिक डिवाइसेस भी याद रख सके तो बहुत बढ़िया हो जाए क्योंकि जब पोएटिक डिवाइसेस जिनको हम लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं ये पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें आपको जब भी इन पोएटिक डिवाइसेस को किसी भी पोअम के अंदर चैप्टर के अंदर आइडेंटिफाई कराया जाता है आप उसे नोट डाउन कर लेते हो जैसे कि मानो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई इस लाइन में पोएटिक डिवाइस क्या है वो बता दीजिए हाँ सवाल ये पूछा जाएगा बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा भाई इस फ्रेज के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है ठीक है ये स्टैंडा के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है ठीक है ये बता दीजिए आइडेंटिफाई कीजिए एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा पर क्या वहीं तक पोएटिक डिवाइसेस का काम है नहीं पोएटिक डिवाइस आप अपने जो चैप्टर में थीम्स हो गए कैरेक्टर्स हो गए डायलॉग्स हो गए इन सब को जस्टिफाई करने के लिए पोएटिक डिवाइसेस ऑथर की राइटिंग स्किल्स को दिखाने के लिए नरेशन की स्किल्स को दिखाने के लिए आपके खुद की रीडिंग स्किल्स को कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को दिखाने के लिए भी काम आते हैं क्योंकि ये जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये पोएटिक डिवाइसेस जो है अगर आप आंसर में खुद आगे से लिखते हो कि अरे यहाँ पर जो कमला दास है उसने अपनी सिमलीज के थ्रू बहुत ही खूबसूरत बना दिया चैप्टर को सिमलीज जैसे कि उन्होंने यूज की थी कंपेरिजन किया था मम्मी के फेस का कॉर्प्स के साथ में मम्मी के फेस का आ, मून के साथ में तो ये जो कंपेरिजन उन्होंने

अब ये वाले जो बच्चे होते हैं वो उनका आंसर या तो एकदम ऐसा लगता है कि बस एनसीईआरटी से छाप ही दिया है ठीक है और अगर ऐसे बच्चे भी नहीं हैं, तो फिर ऐसा लगता है जैसे कि इस बच्चे को पता नहीं है इस चैप्टर के बारे में कुछ भी बस इसको किसी तो इसके सीनियर ने ये कह दिया था कि इंग्लिश में आंसर कौन पढ़ता है तो हनी सिंह के गाने लिख के आ जाना और इसने वो कर दिया है तो ये जो है ये बहुत हो जाता है इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आंसर राइटिंग जो है वो आपके हाथ में पेपर आ जाए पेन आ जाए तब शुरू नहीं होती यहाँ से शुरू होती है तो पहले तो इन चारों चीजों को अपने दिमाग में डाल लीजिए अब जब इन चारों चीजों को आपने दिमाग में डाल दिया अभी आप प्रैक्टिसिंग स्टेज पर हैं तो जब प्रैक्टिसिंग स्टेज पर हैं तो पहले तो एकदम शिद्दत से क्वेश्चन को पढ़िए क्वेश्चन को एकदम हड़बड़ी में पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को जोन आउट होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है और आप गोवा में क्वेश्चन तो एकदम जब पढ़ रहे हैं एकदम सारे सेंसेस खोल के पढ़िए ठीक है अच्छे से एक एक वर्ड देखिए देखिए उस वर्ड का मतलब क्या है क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है एविडेंसेस एविडेंसेस क्या देनी है क्या तो क्या क्या वो मांग रहा है क्योंकि हर चीज के नंबर होने वाले तो जब आपने ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्वेश्चन में नोट कर ली कि आपको क्या क्या अपने आंसर में अब लिखना चाहिए तो अब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे अब बच्चों जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो एक बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर मैं कह सकती हूँ जो हम करते हैं वो ये है कि तुरंत ही जैसे दिमाग में क्वेश्चन पड़ा तो बस फटाफट से पेन लेकर और आंसर लिखना शुरू कर देते हैं आंसर के लिए ना तो कोई प्लानिंग होती है और ना ही हम आंसर को ऑर्गेनाइज करते हैं अब पता है इससे क्या होता है इससे हम जब आंसर जो हमारे दिमाग में आया हुआ है उसके पहले ही कुछ पॉइंट्स को डेवलप करना शुरू करते हैं पहले ही कुछ पॉइंट्स को डेवलप करना शुरू कर देते हैं तो उतने में ही क्या हो जाता है हम दूसरे पॉइंट्स भूल जाते हैं क्योंकि वो पॉइंट हमारे दिमाग में था हमने exam, लगा के प्रॉपर ग्रामर लगा के उसको पूरी तरीके से आ, आ, लिख दिया अब क्या होगा अब जब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर मेंशन करने लग रहे हैं तो वापस से यहाँ पर क्या हो जाएगा आ, हमको याद नहीं आ रहा होगा वो दूसरा पॉइंट क्या है आ, वो पेज नंबर एटी फाइव पे आ, राइट एंड साइड पे कुछ तो वर्ड था वहां से वो लाइन शुरू होती थी और फिर हम अटक जाएंगे और फिर क्या होगा फिर क्योंकि अब वो तो आंसर याद नहीं आ रहा और इतना समय है नहीं पेपर में तो हम क्या करेंगे हम अपने ऑथर खुद बन जाएंगे या कोई बात नहीं मेरे को अब याद नहीं आ रहा मेरे को जो याद आ रहा है मैं तो वो लिख देना आता हुआ आंसर भी हम ढंग से फ्रेम नहीं कर पाते हैं और वापस घर आते वक्त याद आता है अच्छा यार ये तो ये था तो इसीलिए सबसे बेस्ट चीज़ जो हो सकती है वो ये है कि अपने आप अपनी आंसर कॉपी में एक मार्जिन जो है रफ सा ड्रॉ कर लीजिए इस मार्जिन के अंदर जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके दिमाग में टैब्स खुलते हैं ये 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 वो सारे टैब्स जो है वो यहाँ नोट डाउन कर लीजिए बच्चों मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि अपने आंसर को यहाँ पर लिख दो पॉइंट्स बनाकर नहीं क्योंकि मेरे को पता है आपके पास इतना समय एग्जाम में भी नहीं होता इनफैक्ट अभी आप प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हैं और अभी भी नहीं है आपके पास ठीक है तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ मैं आपसे ये कह रही हूं कि जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आया क्रॉफ्टर ग्रे कॉटेज में रहता था लिख दिया क्रॉफ्टर ग्रे कॉटेज कोई नहीं चेक करेगा इसके नंबर नहीं है अपने हिसाब से स्पेलिंग सही है तो ठीक है नहीं है तो ग्रामर अवॉइड करके बस छोटे छोटे हिंट्स बना लो अपने लिए ताकि तो याद रहे याद आया क्रॉफ्टर ग्रे कॉटेज तो ग्रे कॉटेज लिख दिया याद आया मेोलिस लिख दिया याद आ रहा था फॉरेस्ट 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 इन टू द वुड्स इंटू द वुड्स लिख दिया याद आया उसको थम्पिंग 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 लिख दिया रामजो आइन वर्क लिख दिया जो याद आ रहा है वो सब लिखते जाओ ठीक है थोड़े 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 पॉइंट्स जो अपने अपने आंसर्स में डालने एक एक वर्ड लिख दो अब अभी आप प्रैक्टिसिंग स्टेज पे हो तो ऑल दिस टेक टाइम ये सब कुछ समय लगा सकता है और जो बच्चे इस पॉइंट पे वीडियो को छोड़ेंगे उनको तो ये लग रहा होगा अरे यार ये मैम जो भी बता रही है इसमें तो बहुत टाइम जाएगा एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है मैं बताऊँ क्या होता है एग्जाम एग्जाम में जब आप ये सब नहीं कर रहे होते हो और आप सोचते हो स्ट्रेट अवे मेरे को बिना प्लानिंग के आंसर लिख देना है आप पहला पॉइंट लिख देते हो और दूसरा पॉइंट याद नहीं आ रहा होता आपको पता भी नहीं चलता है आप दस मिनट के लिए जोन आउट हो जाते हो सोचते, सोचते 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 गए जोन आउट हो गए वहां आपका टाइम वेस्ट नहीं होता होता है ठीक है तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्सरसाइज तो इनफैक्ट आपका टाइम काफी सेव करने वाली है तो यहां पे आपने रफ के अंदर क्या कर दिया आपने वो सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं आपको याद आ रहे हैं क्वेश्चन को देख के अब यार ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आपने क्या कर दिया बोला यार ये वाला जो है ना मैं ग्रे कॉटेज के बारे में इंट्रोडक्शन में लिखूंगा ठीक है अच्छा एडला एडला के बारे में मैंने कॉन्क्लूजन में लिखना है अच्छा अच्छा रैमज़ो एंड वर्क रैमजो एंड वर्कस में तो मैं डिटेल में डालूंगा तो आपने क्या कर दिया जैसे जैसे आपको पॉइंट्स याद आ रहे हैं आपने पॉइंट्स के आगे आई डी सी यानी इंट्रोडक्शन डिटेल कॉन्क्लूजन मार्क कर दिया अब ये मार्क कर दिया तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर भी तैयार है तो आंसर के पॉइंट्स आपके तैयार है गिने चुने इसके साथ में आपके आंसर का स्ट्रक्चर भी तैयार है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है डिटेल में क्या लिखना है कंक्लूजन में क्या लिखना है अब जब सब तैयार है तो अब आपने बस यहाँ पर आंसर डाल देना है ये लीजिए ये रहा आपका आंसर और फिर आंसर आपने शुरू कर दिया अब ये जो आंसर लिखेंगे इस आंसर के अंदर लिख देंगे पहले तो इंट्रोडक्शन मैम इंट्रोडक्शन क्यों लिखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन इसके लिए लिखते हैं क्योंकि आपको मैम ने हमेशा कहा है इंग्लिश में आंसर्स ऐसे लिखो जैसे केमिस्ट्री का टीचर तुम्हारा पेपर चेक कर रहा हो उसको पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ना स्टोरी के बारे में पता है ना आंसर राइट right, किसी बारे में भी नहीं पता है ऐसा लिखो इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा ना क्या लिखते हैं मैम इंट्रोडक्शन के अंदर ऑथर के बारे में बताओ बताओ ऑथर कौन है ऑथर की राइटिंग स्टाइल के बारे में बता दो अगर क्वेश्चन थोड़ा ऑथर की तरफ इंक्लाइंड है तो राइटिंग स्टाइल के बारे में बता दो नरेशन के बारे में बता दो ऑथर का कनेक्शन बता दो ठीक है अच्छा ऑथर की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है तो नाम बता के आगे बढ़ो थीम के बारे में बता दो कि भाई ये जो चैप्टर ऑथर ने लिखा है इसके अंदर वो इस थीम के बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर थीम के क्वेश्चन थीम के तरफ भी इंक्लाइंड नहीं है थोड़ा कैरेक्टर की तरफ इंक्लाइंड है तो कैरेक्टर के बारे में बता दो भाई चैप्टर आठरा के अंदर एडला विलमेन्सन जो है उनका कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो स्टार्टिंग में बता दो भाई ऑथर ने ये जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर ऐसे सेट किया है एंड देन उसके बाद अब उनके कैरेक्टर स्केच को लिखना है मैम अगर मान लो क्वेश्चन इवेंट के बारे में ना ऑथर के बारे में है ना थीम के बारे में है ना कैरेक्टर के बारे में है चूज वन टॉक अबाउट ऑथर स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑथर जस्ट टॉक अबाउट थीम ऑथर प्लस थीम टॉक अबाउट ऑथर एंड कैरेक्टर चूज वन इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करना है वाई बिकॉज इंट्रोडक्शन जो है वो सामने वाले को बताता है दट यू प्लैंड योर आंसर शुरू कर दिया है आप शुरू से ऐसे लिखना शुरू कर दे ए, कुछ भी तो ऐसा लगता है हड़बड़ी में बस लिख के खत्म कर दिया तो मैम अभी ये इंट्रोडक्शन नहीं लिखूंगा तो नंबर कट जाएंगे नहीं कटेंगे ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर तो नहीं लगेगा हो सकता है कोई एक टीचर ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से फ्लो ना बैठने की वजह से नंबर काट भी ले है ना तो इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पे डाल देना याद रखेंगे इंट्रोडक्शन जो है उसमें ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इंट्रोडक्शन ऐसा लगना चाहिए दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आर राइटिंग आंसर फॉर दिस चैप्टर यू आर अ प्रो एट दिस बिकॉज अगर आपने इंट्रोडक्शन सब किया तो टीचर को पता चल जाएगा दैट यू यू आर नॉट रेडी फॉर दिस डिड नॉट प्रैक्टिस वेल उन्हें पता चल जाएगा दैट यूर ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वो कहते हैं ना फर्स्ट फ्यू लाइन जो है आंसर में वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है यही से टीचर इंप्रेशन डाल लेती है कि भाई कितना आपने लिटरेचर को लिटरेचर की तरफ पढ़ा है और कितना आपने लिटरेचर को थियोरिटिकल सब्जेक्ट की तरफ पढ़ा है यही समझ आ जाता है जब ये करेक्ट होता है तो फिर वो जाती है डिटेल सेक्शन में जहां पर आप देते हो फैक्ट्स ये जो डिटेल होता है ये आपका एक्चुअल आंसर होता है यही तो आपका एक्चुअल आंसर है और आप सिर्फ यही लिख के चले जाते हो तो ऑर्गेनाइजेशन बेकार लगती है वो आते हैं ना कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमेशा ना मेरा आंसर तो एकदम सही होता है पर पता नहीं टीचर आधा नंबर एक नंबर क्यों काट लेते हैं पांचवे से पांच क्यों नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता लिटरेचर टीचर्स को अंदर से भूख होती है एकदम परफेक्ट आंसर की

सेस टेक्सुअल एविडेंसेस यहाँ पे आपकी एनसीआर टी का मेजर रोल है क्योंकि यहां मैं ढूंढती हूँ एनसीआर टी के एविडेंसेस यहाँ में ये देखना चाहती हूँ कि बच्चे ने एनसीआर टी को कोट किया है क्या ऐसा तो नहीं है वो अपना ऑथर खुद ही बना हुआ है यहाँ पे आई लुक फॉर की फ्रेजेस फ्रॉम एनसीआर टी की वर्ड्स फ्रॉम एनसीआरटी कैरेक्टर्स के बोले गए डायलॉग्स एन सी आर टी में हुए हुए इवेंट्स डेट्स है टाइम है डेज है कुछ भी जो इंपॉर्टेंट है आंसर से रिलेटेड है वो एनसीईआरटी को कोट करके तुम्हें यहाँ लिखना होता है कोर्स इसके सबसे ज्यादा नंबर हैं, यही है मेन आंसर आपका बट ये जो सेक्शन है और कॉन्क्लूजन जो है वो आधा एक नंबर कटने नहीं देता तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इंट्रोडक्शन या कॉन्क्लूजन से आपको मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे पर मैं ये कह सकती हूँ कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की वजह से आपका आंसर जो है स्ट्रक्चर में दिखेगा कि आधा एक नंबर जो कट रहा होगा वो नहीं कटेगा तो यहाँ पे डिटेल सेक्शन आ गया एंड देन उसके बाद में आप जाते हो कॉन्क्लूजन पे ठीक है आप जब भी राइटिंग स्किल सीख रहे होते हो हमेशा आपको एक चीज़ बताई जाती है और वो ये है दैट आपके बेस्ट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन में होने चाहिए बिकॉज जो भी रीड करता है एज अ रीडर जब आप न्यूज़ पेपर आर्टिकल्स भी रीड करते होंगे नॉट फॉर योर यू पी एस सी एग्जाम और दिस एग्जाम और दैट एग्जाम बिकॉज देन यू आर लुकिंग फॉर आई मीन यू आर लुकिंग एट एवरी वर्ड एंड यू आर लुकिंग फॉर मतलब छोटे से छोटा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन सो so उसके लिए नहीं बट जनरली अगर आप न्यूज़ पेपर आर्टिकल रीड कर रहे हो मैगजी मैगजीन uh, रीड कर रहे हो आप फटाफट फड़ से स्टार्टिंग के कुछ लाइन पढ़ते हो एंड देन आप नीचे देखते हो एंड देन वहीं से आप डिसाइड कर देते हो कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना भी है कि नहीं हाँ huh? हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो किसी भी आर्टिकल को एकदम बीच से देखेगा <laughs> एकदम बीच से देखने का है एंड दैट्स इट है ना तो एज अ रीडर मोस्ट ऑफ अस वी आर गोइंग टू लुक एट फर्स्ट फ्यू लाइंस ठीक है ऑफ द आर्टिकल एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द कॉन्क्लूजन बिकॉज मेरे लिए मुझे पता है कि कॉन्क्लूजन के अंदर सब समअप होगा मुझे पता है दैट इफ आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस आर्टिकल हाँ तो आई कैन सिंपली रीड कॉन्क्लूजन एंड आई गेट एन आइडिया कि ये आर्टिकल किस बारे में व्हाट इज दिस आर्टिकल टॉकिंग अबाउट सो कॉन्क्लूजन उतना इम्पॉर्टेंट होता है तो so, टीचर्स भी आपके इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन को चेक करते हैं इंट्रोडक्शन को इसके लिए ताकि वो आपके कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को चेक कर सके हाउ वेल हैव यू रेड द चैप्टर एंड कॉन्क्लूजन इसके लिए ताकि वो ये चेक कर सके कि आपने जो भी लिखा है उसको ब्रीफली आप सम कैसे करते हो हाउ डू यू सेट योर आंसर ये सब कुछ एकदम फ्लो में कैसे जा रहा है एंड फाइनली आकर कॉन्क्लूड कैसे हो रहा है तो so कॉन्क्लूजन में यू कैन चूज टू सम अप द दायर आंसर अपने डिफरेंट वर्ड्स के अंदर पूरे आंसर को सम अप कर सकते हो चाहिए तो आगे की बात कर सकते हो जो भी आपका फॉलोइंग इवेंट है फॉलोइंग इवेंट है उसके बारे में बात कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बात की गई है क्रॉफ्टर के बारे में द रैट ट्रैप में तो क्रॉफ्टर के बारे में बात की गई है तो अब आप क्या कर सकते हो क्रॉफ्टर का तो आंसर दे दिया आप आगे का भी बता सकते हो दैट इसके बाद में वो कहाँ जाता है इसके बाद में वो रैमजो आयन वर्क जाता है फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग तो इवेंट के बारे में बात कर सकते बेस्ट वुड बी टू विद द थीम एज वेल क्योंकि का मतलब ही निष्कर्ष होता है तो अगर आप थीम लिख दोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये ऐसे पूरा जस्टिफाई होके ये नतीजा निकल रहा है इसका तो कंक्लूजन में आप थीम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो है ना तो इस तरीके से आप अपना कॉन्क्लूजन लिख सकते हो देर आर मेनी अदर वेज आल्सो Many other ways also to conclude your answer. So, is se basically, you have to write your answer. Jo hai, wo hota hai. But your answer writing? Pe hota hai? There is this last step, but very crucial step, which is answer writing, ke hota hai, and that is proofreading. I have written so many papers in my life, and I am still writing because I am fond of writing exams, that I can tell you one thing. कि मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर एंड आई हैव बिन टीचिंग फॉर टेन इयर्स नाउ तो मैं जब लिखती हूँ अपने आंसर्स भी या फिर इफ आई एम राइटिंग कंटेंट फॉर माय बुक्स या फिर आई एम राइटिंग कंटेंट फॉर समवन एल्स और सम अदर पर्पस तब भी आई मेक सो मेनी मिस्टेक्स बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड ऑफकोर्स आई कैन मेक मिस्टेक्स एंड इसके साथ में इंग्लिश इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज तो देर आर एंड इवन इफ आई एम राइटिंग इन हिंदी ठीक है आई कैन मेक मिस्टेक्स बिकॉज समटाइम्स आप कुछ चीजें सोच रहे होते हो बट जब लिखते हो तो वो चीजें नहीं आ पाती है हो सकता है कोई चीज़ सोच ली बट वर्ड्स में वो नहीं आ पाई देर आर मैनी मैनी रीजन साइकोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं मेंटल रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप जो सोच रहे होते हो उनसे कभी कभी वैसा नहीं भी आ पाता बट अब ये जो चीज़ है आई चूज टू टेल यू दिस मैंने तुम्हें बताया कि कभी कभी आई ऑल्सो मेक अ लॉड ऑफ मिस्टेक्स बट देन वेन आई एम एक्चुअली मैं आपको वो बुक दे रही हूँ वैन आई एम सबमिटिंग माई आंसर्स माई आर्टिकल्स माई स्पीचेस माई डिबेट्स वट एवर कैन यू सेंस दोज मिस्टेक्स नो आई मेक दोज मिस्टेक्स बट आई गॉट टू नो अबाउट दैम जब मैं उनको प्रूफ रीड कर रही थी ऐसा सोचती हूँ मास्टर्ड इंग्लिश राइटिंग और आई एम फ्लुएंट एट दिस लैंग्वेज मैं ऐसा सोच भी अगर लेती हूँ और मैं आंसर लिख देती हूँ भी मैं आंसर को या फिर आर्टिकल को स्ट्रेटी सबमिट नहीं कर सकती बिकॉज द बेस्ट प्रैक्टिस दैट एनी राइटर इन दिस होल वर्ल्ड टू एक्वायर वो जो एक बेस्ट प्रैक्टिस जो आपको करनी चाहिए जो आपको फॉलो करनी चाहिए बी प्रूफ रीड नो हाउ कॉन्फिडेंट आई यू जब हम लोग राइटर्स होके ऑथर्स होके बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं आप तो एक एग्जाम लिख रहे हो एट दिस एज ठीक है आपको और कॉन्शियस होना पड़ेगा बिकॉज आपने उतना लिखा नहीं है प्रूफ रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रूफ रीडिंग के अंदर यू हैव टू रीड रीड योर आंसर

या फिर मजा नहीं आ रहा बस पढ़ के डू वॉन्ट टू एड समथिंग डू वॉन्ट टू कट समथिंग डू दैट राइड अवे अफकोर्स प्रूफ रीडिंग वाले स्टेज आप मानोगे नहीं जब आप प्रूफ रीडिंग तक पहुंचते हो अगर आपने दस गलतियां की है तो नौ तो आप पकड़ पाओगे अगर आप ये वाला स्टेज क्लियर कर लेते हो ना जहां पर आप यूर वेल रेड आपको पता है आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन है यूर वेल प्रिपेयर्ड ये वाला स्टेज क्लियर कर लेते हो ना उसके बाद जब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे होते हो दस गलतियां की है तो नौ तो पकड़ में आ जाती हैं एक गलती इक्की दुख आपके पकड़ में नहीं आती क्योंकि वो एक्सपर्ट्स के लिए होती हो सकता है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो वो टीचर्स पकड़ते हैं बट आपको पता है जब पूरे आंसर के अंदर वो इक्की दुख गलती होती तो आधा नंबर भी नहीं कटता क्योंकि तो टीचर को पता है कि इतना परफेक्ट आंसर है आप क्लास ट्वेल्व के प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हो ठीक है कि वो नहीं वहाँ पर उतनी बेदर्द होंगे तो प्रूफ रीडिंग इज द लास्ट Very crucial. Okay, you can't miss that. So, but I have promised you that you have to watch this video till end. I have something for you. So, I keep talking about answer writing. And this whole trend of introduction, detail, and conclusion, and answer writing, and everything was brought on YouTube by me many years ago, and uh, and I keep following the trend. I I keep educating you guys about how to write beautiful answers and stuff. But you know what? I thought why not actually bring a series for you? Yeah. Why not bring a series for you on this channel? Okay, on this channel itself. Pe we will be solving. Yes, live. Live. We will be solving a lot of important questions. Up hot sari, alakala important questions. कुछ छोटे क्वेश्चन कुछ बड़े क्वेश्चन कुछ पैरल क्वेश्चन कुछ ट्रैक क्वेश्चन कुछ टीम बेस्ड कुछ कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऑथर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मतलब उतने तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे कि उनके बाहर का तरीका कोई नहीं आएगा एंड आई विल नॉट ब्रिंग दैम सॉल्व ऐसा नहीं होगा कि आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड देन आंसर लिखा हुआ है इन दीज क्लासेस दैट आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टूमोरो कल से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी लाइव ऑन द चैनल सेवेन डेज के लिए क्लासेस चलेंगी सेवेन डेज तो सेवेन डेज की ये जो सीरीज है इन लाइव क्लासेस में यू हैव टू ब्रिंग योर रजिस्टर योर पेन्स एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी ओके आई एम सो सॉरी माय थ्रोट इस टाइल लिटिल इची यू हैव You have to bring your register. You have to bring your pens and start writing with me. I am going to answer all those questions—CBSE questions, questions that CBSE has been asking, patani kab kab se, questions that are repeatedly asked, questions that CBSE might ask, all the types of questions. I'll be doing those questions with you. I'll be writing those questions' the answers to those questions with you, live. उ डू अप्लाई सब कुछ कैसे अप्लाई करते हैं and बोनस क्या हो जाएगा अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे सारे चैप्टर्स के तो सारे चैप्टर्स लगे रिवाइज हो जाएंगे एंड इसके साथ साथ में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके पास में एक क्वेश्चन बैंक आपका खुद का तैयार जिसमें आंसर्स आपने मेरे साथ लिखे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया यू विल बी ऑल सॉर्टेड एकदम फुल सॉर्ट हो जाओगे आप ठीक है यार नेक्स्ट सेवन डेज मेरे को बस अब ये करना है लग के एंड आई विल बी ऑल सॉर्टेड कि अभी मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस तैयार हो जाने वाले हैं जिन क्वेश्चंस को अगर मैं अच्छे से रीड कर लूँ तो एग्जाम में उनके आने के चांसेस हैं और अगर मैं इन आंसर्स को ऐसे ही एकदम इनका रेप्लिका वहाँ बना के लिख कर आ जाऊँ तो बस काम हो जाएगा मेरा है ना तो ये सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इट्स माई आंसर राइटिंग सीरीज एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम टूमारो फॉर सेवन डेज एंड इट्स अ सीरीज अ लाइव क्लास बेसिकली हियर ऑन दिस चैनल सो यू हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल नंबर ए नंबर वन थिंग सेकेंडली यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू एज मैनी पीपल एज यू कैन नंबर थ्री यू हैव टू अटेंड दो क्लासेज लाइव यू कॉन्ट मिस दो क्लासेज यू हैव टू अटेंड Okay, and you have to actually sit with your register and pen and everything and start solving. Otherwise, myes puri manat ka kachra So promise me that. Hashtag the likho comments. Me, I'll see you tomorrow in the sea. Okay, bye bye. Take care, everyone. See you.